गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम आपका यूनिट फर्स्ट है वेकअप, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग? सुबह पक्षी एक दूसरे को क्या कहते होंगे? इन द मॉर्निंग द बर्ड्स से टू ईच अदर टू वेकअप एंड एंजॉय द लवली डे। सुबह सुबह पक्षी एक दूसरे को कहते होंगे, उठो और इतना प्यारा दिन है उसका आनंद लो। सेकंड क्वेश्चन इज, हु आर ऑलरेडी अवेक? पहले से कौन जाग चुका है? इसका आंसर है, द बर्ड्स, एनिमल्स एंड द टाइनीस्ट चिकन आर ऑलरेडी अवेक। पक्षी, जानवर और छोटे चूजे पहले से ही जाग चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, विच क्रिएचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज? क्रिएचर्स होता है जीव जंतु, कौन से जीव जंतु सुबह बच्चा उठने से पहले उठ गए हैं? आपको पता है ना, पोइम पढ़ी थी आपने। इसका आंसर है, द बर्ड्स, बीज, काउज, हॉर्सेस, डक्स, शीप एंड चिकन्स आर वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज, कि बच्चा उठने से पहले पक्षी, मधुमक्खियाँ, गाय, घोड़े, बत्तख, भेड़ और चूजे उठ चुके हैं। लेट्स राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कनेक्ट द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एंड और बट। बच्चों, एंड या बट का प्रयोग हमने करना है इस एक्सरसाइज में। वी यूज एंड टू जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग सिमिलर आइडियाज़। उन दो वाक्यों को हम एंड लगाकर जोड़ते हैं जो हमें सेम आइडिया दर्शाते हैं। एंड बट, वी यूज बट टू जॉइन कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस। ऐसे दो वाक्य जिनके आइडिया डिफरेंट होते हैं, जो अलग अलग तरह के विचार दर्शाते हैं, हम इन्हें एंड और बट को हम कनेक्टर या जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। जब हम दो सेंटेंसेस के बीच में एंड या बट लगाते हैं तो स्मॉल लेटर में लिखते हैं, कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करते, क्योंकि दो सेंटेंसेस का एक सेंटेंस बन जाएगा। अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको हर क्वेश्चन में दो सेंटेंस दिए हैं, आपने उसमें एंड या बट लगाकर उसको एक सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है, इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, अभी स्कूल के लिए उठने का समय हो गया है। सेकंड सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, मैं अभी थोड़ी देर और ज़्यादा सोना चाहता हूँ। अब हमने इसको एक सेंटेंस बनाना है, ये दो सेंटेंसेस दिए हैं आपको, अब हमने इसका एक करना है। तो इसका आंसर होगा, इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, कि स्कूल जाने के लिए उठने का समय तो हो गया है, लेकिन मैं थोड़ी देर और सोना चाहता हूँ। सेकंड है, फर्स्ट सेंटेंस है इसमें, शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे। सेकेंड इज, शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू। अब हमने इसको एक सेंटेंस करना है, शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे एंड शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू। यहाँ पर हमने लगाया एंड, एंड लगाकर दो वाक्य से एक वाक्य बन गया। नेक्स्ट वन इज, फर्स्ट सेंटेंस इज, एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप, सभी सोने चले गए हैं। सेकंड सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ना चाहता हूँ। अब इन दो का हमने एक सिंगल सेंटेंस बनाना है, इसमें लग जाएगा, एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप बट
आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। सब सोने चले गए हैं लेकिन मैं अभी अपनी किताब पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या लगाया हमने? बट। फोर्थ वन इज राजू प्लेज क्रिकेट, ही ऑल्सो प्लेज हॉकी। इसका अब एक सेंटेंस हमने करना है, सिंगल सेंटेंस। राजू प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी, एंड लगाकर हमने इसका एक सिंगल सेंटेंस बना दिया। सेकेंड क्वेश्चन है पेज नंबर 5 पर आपका, फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो। टाइनी टाइनियर टाइनियस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, स्लीपी स्लीपियर स्लीपियस्ट, लवली लवलियर लवलीएस्ट, लेट लेटर लेटेस्ट, राउंड राउंडर राउंडेस्ट, स्मॉल smaller smallest, good better best। अब बच्चों हमने जो आज एक्सरसाइज की है आपने इसे सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक्स पर करना है और घर पर रहना है। एंड टेक केयर एंड थैंक यू।